हमारी जो है कंप्लीट स्टॉकज है, इसमें जो है दो चीज़ हमने चेंज करी है। तो सबसे पहले जो इसका एग्जॉस्ट जो कि जो है आवाज़ नहीं करता है, पन ये जो आफ्टर मार्केट डाला है, तो इसका जो है सबसे पहले आवाज़ सुनिए। तो इसमें जो यहाँ पर हेलोजन बल्ब है और ये जो है स्टॉक है, पर इसकी जो है विजिबिलिटी काफ़ी अच्छी है, वो जो आपको क्लिप मिल जाएंगे अभी। जो आप फ्रंट में भी जो है ABS मिलेंगी और जो रियर में भी ABS ब्रेक मिलती है, और जो इसकी टायर साइज जो है 100x90 19 इंच का जो ये अलॉय व्हील से फ्रंट में और जो रियर में 120x80 का जो है 18 इंच का पीछे का अलॉय व्हील से, और जो इसमें भी ABS के यहाँ पर चैनल है, डिजिटल मीटर है, ये जो एनालॉग है और जो ये अपना डिजिटल है, इसमें जो है फ्यूल का भी बता देता है और जो टाइम बताता है, यहाँ पर जो ABS की लाइट ने सब आता है इसमें इंडिकेटर, और जो ये इसकी स्विच कुछ ऐसी जो है ऑन होएंगे उसके बाद जो है यहाँ पर न्यूट्रल की लाइट ऑन बताएंगी और जो यहाँ से स्टार्ट हो जाएंगी। यहाँ पर जो है आगे की बीम हाई बीम सब जो इसमें है, और जो यहाँ पर एक बटन है जो कि अपने ट्रिप AB चेंज करने का यहाँ पर बटन दिया है, नहीं बता रहा हूँ, यहाँ से जो है चेंज होंगे। इसका इंजन जो है 349 cc का है, इसमें क्लासिक 350 का, और जो इसकी टैंक कैपेसिटी जो है 13 लीटर की टैंक है। इसमें जो है 5 गियर मिलते हैं अपने को बाइक में रॉयल इनफील्ड में, और इसकी माइलेज जो है 37 की कंपनी क्लेम करती है। अब जो इसके इंजन की पावर की बात करें तो इसमें जो मैक्सिमम पावर जो है इंजन का जो है 20 BHP का है, और जो है टॉर्क की बात करें तो 27 BHP का टॉर्क है। एयर ऑयल कूल्ड है, इसमें जो है कोई पंखा नहीं आता है, ऑयल से जो है ठंडा होता है ये इंजन, और जो है इसमें कीक नहीं मिलती है, यहाँ पर जो है साइड में कीक नहीं है, और जो है गाड़ी में वाइब्रेशन भी ओल्ड करता जो है काफ़ी कम हो गया है। तो ये सब तो जो है इसकी इंजन और टॉर्क नहीं, ये सब की बात हो गई। अब जो है आपको मोटो व्लॉग पे मिलते हैं, देखते हैं कैसी चलती है, इसका 0 से 100 भी टेस्ट करें। तो अभी जो हम इसका 0 से 100 टेस्ट करेंगे, इसका जो है रिव्यू कंप्लीट कर डाला है, क्या क्या है इसमें वो सब, इंजन कितना पावर देता है, 27 BHP 20 BHP। अब जो राइड करके देखेंगे तो देखते हैं 0 से 100 जाने में कितना टाइम लेती है रॉयल इनफील्ड 2022। जो है रोड एकदम खाली है, कंप्लीट सेफ्टी के साथ हम जो ये टेस्ट करते हैं, आप जो है कुछ ऐसा ट्राई मत करना। तो अब जो है फर्स्ट गियर में है गाड़ी, देखते हैं कितनी देर लेती है, नीचे जो है टाइम आ जाएगा। नीचे तो टाइम आता होगा, आपने देखा होगा कितने सेकंड में टच हुई। तो हजू एक राउंड करते हैं, देखते हैं कितना टाइम लेती है। तो जो इधर से विंड ब्लास्ट काफ़ी ज़्यादा था, तो जो शायद टाइम लगा होगा, पर जो है ओल्ड करता जो है काफ़ी स्मूथ चलती है बुलेट, और जो है काफ़ी जल्दी स्पीड भी पकड़ती है। तो इसका जो है हम ओल्ड बुलेट के साथ भी इसकी रेस करेंगे, ड्रैग रेस,
तो वो वीडियो आपको चाहता है तो चैनल को जो है सब्सक्राइब कर रखना, बाकी मिस कर देंगे आप वीडियो। और जो काफ़ी ज़्यादा स्मूथपन चलती है, जो वाइब्रेशन तो बिल्कुल ज नहीं है, यानी कि है कौन से इतनी सब वाइब्रेशन जो फील नहीं होता है पहले करता, ओल्ड बुलेट करता। तो इसका रिव्यू करा, कमेंट कर देना आपको नेक्स्ट वीडियो कोई चाहती है रॉयल इनफील्ड क्लासिक 350 के ऊपर। तो आज के लिए इतना ही, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं आपको हमारी नेक्स्ट वीडियो में।